संजीव बालियान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मदरसों की जांच के साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव महमूद मद्दी की भी जांच होनी चाहिए। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 12 से 15 साल के नाबालिग बच्चों के साथ साथ कुछ बच्चे मदरसों के भी गिरफ्तार हुए हैं। आखिर मदरसों के बच्चे किसने और क्यों निकाले, इसकी जांच होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कारगिल के सांसद का उनके पास फोन आया था, उन्होंने बताया था कि कारगिल का एक बच्चा भी मुजफ्फरनगर उपद्रव में शामिल था। आखिर वो कैसे यहाँ आया और उसे किसने यहाँ पर भेजा, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और इसी के साथ